हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। गिवन 4725 इक्वल टू 3 टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर सी, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सेकंड इज द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर माइनस 8, 3 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी। मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तीनों में और सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगा वो निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले फाइंड करते हैं वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ओके, वी हैव, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो नंबर है वो इक्वल है, 3 का पावर कुछ रेज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर कुछ लेकर के, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के पावर कुछ लेकर के। यदि ऐसा करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका पावर क्या होगा, इन तीनों का पावर क्या होगा कि इतना मल्टीप्लाई करने पे आएगा। यह फाइंड करने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसके सारे फैक्टर्स कितनी बार आते हैं। मीन्स हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा 4725 का। तो हमारा 3 जो है 3 टाइम्स आया है, एक यहाँ एक यहाँ, उसके बाद से 5 जो है 2 टाइम्स और 7 1 टाइम्स। सो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक्चुअली इसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब कि 3 को हम लिख लेंगे यहाँ पर 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 को लिखेंगे 2 टाइम्स 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, एक ही बार आया है, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर ए डॉट 5 टू द पावर बी डॉट 7 टू द पावर सी। अब इसको क्या करेंगे हम कि पावर के फॉर्म में लिख देंगे, मीन्स 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर ए सॉरी डॉट 5 टू द पावर बी डॉट 7 टू द पावर सी। देखिए डॉट का मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए दोनों ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों जो है इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन यदि इक्वल है तो ये तभी इक्वल होगा जब इसके बेस बराबर हों और पावर भी बराबर हो। दिस इज ओनली कंडीशन, और कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 3 जो बेस है वो बराबर है यहाँ पर, और 5 जो बेस है वो यहाँ बराबर है, 7 जो है यहाँ भी 7 इक्वल है। इसका मतलब कि इसके जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो और ये जो पावर्स होंगे वो रिस्पेक्टिव पावर्स इक्वल होंगे, मतलब कि 3 का जो पावर होगा और यहाँ भी जो 3 का पावर होगा वो इक्वल होगा, और 5 का जो पावर होगा और यहाँ 5 का जो पावर होगा वो भी दोनों बराबर होंगे। अब सिमिलरली मतलब जितने भी टर्म्स जितने भी मतलब दिया रहेगा सब में ऐसा होना चाहिए। ये मतलब कि रूल कहता है, ये हमारी लॉजिक कहती है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 3 कॉमा बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट का सोल्यूशन है, ठीक है। ये फर्स्ट का मतलब आप सोल्यूशन निकाल चुके हैं। सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं, कहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस मच, तो 2 टू द पावर क्या करना है माइनस ए करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 3 टू द पावर बी में, फिर मल्टीप्लाई करना है 7 टू द पावर सी में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस ए मीन्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर बी मीन्स 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 टू द पावर 1। अब यदि सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 9 इंटू 7, 9 7 जो 63 होता है, 63 अपॉन और 2 टू जो 4 टू जो 8 मीन्स यहाँ पे 8 हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट मच, ओके। इसकी वैल्यू जो है इतना आएगी 63 अपॉन 8। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा। और यदि कोई डाउट भी होता है तो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।